हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। SJVN लिमिटेड सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें फील्ड ऑफिसर और जूनियर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी आई है इन वेरियस डिसिप्लिन। तो आज के इस सेशन में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी हम देखेंगे कि कौन सी डिसिप्लिन में आई है। तो सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स में आई है, फिनेंस एंड अकाउंट्स में है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स और जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स है उसमें दो पोस्ट के लिए है, फील्ड ऑफिसर और एक है जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए। ह्यूमन रिसोर्स की पोस्ट जो फील्ड ऑफिसर की है, टोटल 10 वैकेंसीज है एंड फॉर जूनियर फील्ड ऑफिसर इट्स टोटल 15। इट मींस टोटल वैकेंसी जो HR में आई हुई है वो 25 है। और मैकेनिकल का हम यहाँ पे देखते हैं, मैकेनिकल डिसिप्लिन में जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए आया हुआ है, टोटल पोस्ट है 20। अब इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स फील्ड ऑफिसर जो पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएट विद 2 इयर्स फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल और HR। तो ग्रेजुएट तो होना चाहिए, साथ में 2 इयर्स का फुल टाइम MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल और HR डिसिप्लिन। नेक्स्ट हम जूनियर फील्ड ऑफिसर की बात करते हैं, इसमें क्या चाहिए इनको क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट विद 1 और 2 ईयर, मीन्स 1 ईयर का भी चलेगा कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री है, इन पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क्स, लेबर वेलफेयर, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिफरेंस पता चल गया, फील्ड ऑफिसर में ग्रेजुएट विद 2 ईयर्स फुल टाइम MBA होना चाहिए एंड इन जूनियर फील्ड ऑफिसर 1 और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन दिस सब्जेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं यहाँ पे बता रही हूँ, फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा बेसिस पे है, जिनका भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है दे आर एलिजिबल फॉर जूनियर फील्ड इंजीनियर। परसेंटेज की बात कर लेते हैं, एक्सेप्ट फॉर CA, ICWA, CMA, इंटर CA, जिसमें से पासिंग चाहिए, अदर जो इनकी रिक्वायरमेंट है, अदर सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, उसमें SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स एंड फॉर अदर कैंडिडेट्स 55% मार्क्स है। अब यहाँ पे हम कंपनसेशन पैकेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये टेम्प्ररी है, 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है और बाद में 2 इयर्स और मोर के लिए एक्सपेंडेबल है, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो फिक्स रिम्यूनरेशन इन्होंने रखा है फील्ड ऑफिसर के लिए 60,000 रुपीज़ है एंड जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए 45,000 है। इसमें इनका EPF भी इंक्लूडेड है, रेम्यूनरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ EPF, राइट। अब प्रोजेक्ट नेम के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग जो प्रोजेक्ट साइट्स है वहाँ पे पोस्टिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट्स भी देंगे, अलग अलग इंक्रीमेंट्स है। अदर बेनिफिट्स इंक्लूड इंक्रीमेंट एट दिस रेट ऑन बेसिस ऑफ पावर रेटिंग, राइट। नेक्स्ट, टेंटेटिव रिजर्वेशन भी इन्होंने दिया हुआ है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स फील्ड ऑफिसर में जो 10 पोस्ट है उसमें इन्होंने बता रखा है कि SC के लिए कितना, ST के लिए कितना, OBC के लिए 2 सीट है, EWS 1 एंड UR 6, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे जूनियर फील्ड ऑफिसर में जो ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी है, 13 पोस्ट है टोटल फॉर हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट ऑफिसर। अब यहाँ पे इन्होंने बाइफोकेट कर दिया, जूनियर फील्ड ऑफिसर में जो टोटल 15 वैकेंसीज है तो 13 वैकेंसीज तो हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए है और जो 2 सीट्स है, राइट, 2 सीट्स रिजर्व है फॉर उत्तराखंड प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, यहाँ पे दिया हुआ है और ये UR कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यहाँ पे इन्होंने बाइफोकेशन दिया था, SC के लिए 3, OBC के लिए 2 और EWS 1, UR 7, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल में इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो फील्ड ऑफिसर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, जब मैंने SJVN का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम भी इन्होंने MT पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी,
अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो आपको ये नहीं देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, 3 इयर्स का ही है, उसके बाद पता नहीं एक्सटेंड होगा नहीं होगा। तो मैं बोलूँगी कि वैसे तो ये टेम्प्रेरी पोस्ट के लिए ही इन्होंने निकाला है, बट आप इसे दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग भी करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि वैकेंसीज बहुत कम आ रही है PSUs की। तो आप एक बार इसमें अगर चले भी जाते जॉब में, तो साथ में कोई अगर दूसरी वैकेंसीज भी आती तो उसकी तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दूसरे PSUs के लिए भी ट्राई करिए जहाँ पे परमानेंट पोस्ट के लिए निकलेगा, बट फिलहाल के लिए अगर कहीं वैकेंसी नहीं आती है तो ये जॉब भी बहुत अच्छा है, ये PSU भी बहुत अच्छा, मिनी रत्न कैटेगरी का PSU है, ठीक है। तो यही वाला पैटर्न था, कंप्यूटर बेस्ड था और ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था एंड पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ था। तो SJVN का एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए SJVN अगर आप एलिजिबल है और आप एग्ज़ाम देंगे तो जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होगी, जैसे कि कोर्स रिलेटेड, सिलेबस क्या पढ़ना है, क्या कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ये सब कुछ मैं आपको इसमें बता दूंगी। फॉर जूनियर फील्ड इंजीनियर ऑफिसर के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सिर्फ, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, राइट। टेस्ट सेंटर देखिए, फॉर फील्ड ऑफिसर्स न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला होगा, और जूनियर फील्ड ऑफिसर्स के लिए हिमाचल प्रदेश में ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सेंटर्स हैं, वहाँ पे है चंडीगढ़ भी है, मोहाली एंड देहरादून है। कैंडिडेट को 2 टेस्ट सेंटर्स प्रेफरेंस में भरना है, प्रेफरेंस 1 एंड 2, और कोई भी चेंज करने का रिक्वेस्ट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे सेंटर, इसलिए सेंटर सोच समझ के भरना है। देन जो CBT होगा उसका पैटर्न क्या है, तो फील्ड ऑफिसर के लिए टोटल पार्ट 1 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और पार्ट 2 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड, राइट। तो CBT जो फील्ड ऑफिसर्स के लिए होगा, टोटल क्वेश्चंस जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 150 होंगे, जिसमें पार्ट 1 120 होगा, जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, आपका डिसिप्लिन रिलेवेंट होगा, और पार्ट 2 में 30 MCQs ऐसे आएंगे जो एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड के होंगे। देन जूनियर फील्ड इंजीनियर या फिर ऑफिसर की जो CBT होगी उसमें पैटर्न है ऐसा, पार्ट 1 में 70 क्वेश्चंस आएंगे आपके डिसिप्लिन रिलेटेड एंड पार्ट 2 में 30, मतलब टोटल 100 MCQs आएगा। प्लेसमेंट के लिए इन्होंने दिया है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको किसी भी प्रोजेक्ट ऑफिस में या स्टेशन पे पोस्ट कर सकते हैं और एब्रॉड। अब एक और बात आती है जो कैंडिडेट यहाँ पूछेंगे कि क्या रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स एलिजिबल है, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, दे आर नॉट एलिजिबल। जो कैंडिडेट्स मतलब जिनका फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड हो चुका है वही सिर्फ एलिजिबल है, ठीक है। तो ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम फी देखते हैं, जो एप्लीकेशन फी है जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ है एज जूनियर फील्ड इंजीनियर ऑफिसर। जो जूनियर फील्ड इंजीनियर या फिर ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ₹300 प्लस GST, एंड जो फील्ड ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 600 प्लस GST है। SC ST PWD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो SC ST PWD कैंडिडेट्स को फी पे नहीं करना है। जो एप्लीकेशन आपको फिल करना है वो कैसे करना है, तो सबसे पहले SJVN के साइट पे जाना है, SJVN.NIC.IN, और वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसमें आपको अपनी स्कैन कॉपी लगानी है, फोटोग्राफ की सिग्नेचर लगानी है, और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने पूछा है वो आपको सारा कुछ फिल करना होगा। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो ये एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, 4th August 2021 फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स। 4 तारीख से एप्लीकेशन भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट इज 24th August 2021 टिल 11:59, मतलब 12 बजे तक। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही अगर आप एलिजिबल है तो आपको एप्लीकेशन फिल कर देना है और साथ में फी पेमेंट भी कर देना है इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी जो आपको बतानी थी वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको खुद से भी एक बार एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, साइट पे जाना है www.sjvn.link.in और करियर सेक्शन में जाके आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़नी है। अगर आप फिट बैठते हैं तो यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। और SJVN से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे PSU HR रिलेटेड कोर्स और टेस्ट सीरीज है। कोई भी PSU एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन से स्टडी कर सकते हैं। साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा और BE तो वो भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से कर सकते हैं और कोर्स और टेस्ट सीरीज पे विजिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।